हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसमा फॉर्मूले। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। स्टूडेंट्स हम कहेंगे आपको आज मुहर्रम पर निबंध। हम बताएंगे आपको मुहर्रम के बारे में। ओके स्टूडेंट, ध्यान दें, हमें वीडियो से शुरू से आगे तक हमें वीडियो लाइक नहीं होता लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सबसे लाउड घनी दो जिससे हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके स्टूडेंट ध्यान दिए, हम कहेंगे आपको आज मुहर्रम पर निबंध। देखिए करते हैं शुरू। देखिए कराएंगे आपको 10 लाइन बताएंगे, 10 लाइन में आपको बताएंगे मुहर्रम के बारे में। देखिए करते हैं स्टार्ट। देखिए मुहर्रम हिजरी कैलेंडर का सबसे पहला महीना होता है। ओके स्टूडेंट्स आगे देखें, मुस्लिम धर्म के खास 4 महीनों में से एक मुहर्रम का महीना होता है। ओके स्टूडेंट्स आगे देखें, तीसरा लाइन देखें आगे। रमजान के बाद मुहर्रम इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे पवित्र महीना होता है। ओके फ्रेंड्स आगे देखें, मुहर्रम महीने का 10वां दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके स्टूडेंट्स आगे ध्यान दें, इस दिन को आसुरा के नाम से जानते हैं। जिसका मुस्लिमों में बहुत महत्व है। ओके स्टूडेंट्स आगे ध्यान दें, शिया लोग मानते हैं कि इसी दिन हज़रत हुसैन करबला की
लड़ाई में शहीद हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें। हजरत हुसैन पैगंबर मोहम्मद के पोते थे जो 72 परिवारजन के साथ शहीद हो गए। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें। सुन्नी बच्चों, आगे देखें आप। सुन्नी के अनुसार इसी दिन धार्मिक नेता हजरत मूसा ने फिरौन पर विजय प्राप्त किया। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखें। नवी लाइन देखें। शिया समुदाय के लोग इस दिन शोक मनाते हैं और सुन्नी उपवास रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 10 लाइन देखिए आगे। दो अलग मान्यताओं के बावजूद दुनिया के सभी मुसलमान मुहर्रम का पूर्व उत्साह के साथ मनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने कहा दिया आपको आज मुहर्रम पर निबंध। स्टूडेंट्स, हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे हर रोज़ हमें वीडियो पर। शुक्रिया आज का ध्यान दें। हमें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड से लाइक। ठीक है स्टूडेंट्स।